तो चलो शुरू करते हैं। हेलो मसाला यात्रा के दोस्तों, कैसे हो आप सब? एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग शुरू होने वाला है अपने मायके में, क्योंकि आप सभी को पता है पापा ने अभी अभी फ्लैट का इनॉग्रेशन किया है, तो मैं 2 दिन के लिए उन्हीं के पास रुक रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मायके से ससुराल तक के सफ़र का एक ब्लॉग क्रिएट किया जाए, ताकि आप सभी को पता चले हम कितनी सारी चीज़ें मिस भी करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। तो यहाँ पर रखे हैं मेरे लगेजेस, ये रहे। 2 दिन के लिए आई हूँ तो फटफट जो मिला मैंने पैक कर लिया। सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो करके रेडी हूँ। अब मैं करती हूँ पूजा और फिर फुल डे में क्या करने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं रिटर्न वापस जाऊँगी, करवा चौथ आने वाला है, ऑलमोस्ट 1 दिन बचेगा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब करती हूँ, कल वापस जाना है, तो आप सभी को सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्लॉग की। मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है, पूजा कर ली है, आरती वगैरह करके अब मैं जाने वाली हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज का मेन्यू होने वाला है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी पापा की इच्छा थी तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ जो उनको खाना है। तो यहाँ मैं भिंडी बना रही हूँ, फिर मैंने आलू का मसाला तैयार कर लिया है, आलू पराठा, भिंडी और टिपोरे, मिर्ची के टिपोरे होते हैं, आई होप आप सभी को पता होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू पराठा, मेरे इन-लॉज को मेरे हाथ के आलू पराठा बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को। सब ऐसे कहते हैं ना, आपके पति के पास सारी बातें बनवानी हो तो उसके पेट को खुश करना चाहिए, तो मैं आलू पराठा बना के उन्हें से अपनी हर बात मनवा लेती हूँ। तो यहाँ अच्छे से घी लगा के मैंने आलू पराठा सेक लिया है, अब वो ब्लॉग देखने होंगे तो उनको मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। हमारे घर में खाना नीचे बैठ के खाते हैं, तो मैं अपने घर में नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ, नीचे बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और। चलिए अब आप सभी को ऊपर लेकर जाती हूँ छत पे। ये देखिए असली मज़ा तो ये आता है छत पे, इन डीजल मकान पे आप ऐसे मस्त धूप में सब चीज़ें डाल सकते हैं, कंबल, रजाई, सब, दिवाली की सफाई में भी और सर्दियों में भी। और ये रहा बाहर का व्यू, वो देखिए हमारे घर से छत से गढ़ गणेश दिखता है पूरा, रोड का भी दिखा थोड़ा, अभी काम चल रहा है सभी के। ये देखिए रोड पे भी। तो यहाँ मैंने शुरू कर दी है दिवाली की थोड़ी बहुत सफाई, मैंने सोचा आई हूँ तो पापा मम्मी की हेल्प हो जाएगी, इसलिए आज मैं और मम्मी जा रहे हैं वॉक करके शॉपिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने। आज हम जा रहे हैं साड़ी शॉपिंग करने। ये वाला कलर ले रहे हो? ब्लू पेन लो। कलर के कलर भी कौन सा है? देखो कितने सुंदर से हाथी है, कलरफुल। अब हो चुके हैं रात और मैं जा रही हूँ घर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 2, कल का दिन था मेरा यहीं पर और आज मुझे जाना है ससुराल। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पर, बट ये है फिर भी अपने घर से जाने का एक अलग ही वो रहता है। तो आज है डे 2 और आज मैं शाम को यहाँ से चली जाऊँगी। तो आज पूरे दिन मैं क्या करने वाली हूँ वो सब बताऊँगी। पूजा मैंने ऑलरेडी कर ली है, ये रहे मेरे पीछे मेरे क्यूट से गणेश जी दिख रहे हैं आप लोगों को, कि मैं अपने पास ही रखती हूँ हमेशा, मतलब मेरे साथ ही रहते हैं। और बस अब मैं बनाऊँगी खाना, सुबह चाय नाश्ता हो चुका है, मैंने पानी भर लिया। पता है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फ्लैट वगैरह में रहने लग जाते हैं ना तो एक्वागार्ड वगैरह लगा के पानी की टेंशन ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है, जिससे 11:30 से 12:30 एक घंटा पानी आता है, उसी में आपको पानी भरना होता है। सिटी में इसका ये अलग मज़ा होता है। तो बस मैंने फटाफट से पानी भर लिया, क्योंकि ऑलरेडी अभी बज रहे हैं 12, तो पानी वानी भर के मैं ऑल सेट हूँ। अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना, वो रही मेरी किचन जो मेरे को बुला रही है चलो खाना बनाने आओ। तो चलिए आज देखते हैं स्पेशल डिश क्या बनने वाली है। तो किचन में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल की पूड़ी विथ हरी धनिए की चटनी। हमारे में ये शीतलाष्टमी पे पूड़ी बनती है और उसके अलावा भी बना सकते हैं मूंग दाल को रात में भिगो के,
रेडी कर लो, मसाला वसाला डाल लो और आटा गूंद के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पराठा बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैंने आटा गूंद दिया है और अच्छे से मसल के अब तैयारी कर रही हूँ हरे धनिया की चटनी की। आज का मेन्यू होने वाला है दाल की पूड़ी। ये रही दाल की पूड़ी, मूंगदाल की दाल की पूड़ी होती है, और बनाने वाली हूँ धनिया हरे धनिया की चटनी। तो हमारे में मतलब ऐसे वो चौकन बोलता है ना तड़का, वो लगा के खाते हैं धनिया की चटनी को। मेरे ससुराल में जस्ट ब्लेंड एंड ईट इट, बट हमारे यहाँ पे ऐसे खाते हैं मारवाड़ियों में। और लिटरली बताऊँ अगर आप एक बार, अगर आप खुद भी नहीं गए थे तो एक बार तड़का लगा के खाइएगा और भी टेस्टी लगेगी। तो चलिए फटाफट से प्रोसेस दिखा देती हूँ, फटाफट सिंपल सा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है जो गर्म हो रही है राई, और राई के जस्ट साथ में आपको डालनी है सौंफ। उसके बाद डालना है आपको, इसमें डालेंगे नमक, नमक के बाद मिर्ची थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग, और फिर हल्का सा धनिया पाउडर एंड इट्स डन। मिक्स करना है, थोड़ी देर में ये ऑयल स्प्रेड करने लगेगा। ये देखो ऑयल आने लग गया, पर तो ये ऑयल रेडी है और यहाँ मेरा दाल का पराठा सिक रहा है। अच्छे से घी लगा के कुक करना है, डन। मायके से ससुराल जाने की पैकिंग हो चुकी है शुरू। हेलो, तो आज मैं जाने वाली हूँ बैक टू द ससुराल। दो दिन की छुट्टी मिली थी, वापस से ससुराल जाने वाली हूँ, और मैं एक ब्यूटीफुल सी साड़ी पहनने वाली हूँ जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करी थी। वैसे मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए डिज़ाइन किया था और मैंने उन्हें गिफ्ट भी दे दिया था, बट मन कर गया तो मैंने उनसे ले ली। मैंने कहा एक दिन के लिए मुझे दे दो पहनने के लिए, तो उन्होंने मुझे दे दी पहनने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखाऊं कि मैंने क्या डिज़ाइन किया था। ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट साड़ी है जो मैंने खुद डिज़ाइन की थी, और उसके बाद में मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, और ये मैंने अपने मदर इन लॉ के लिए किया था। तो पहले देखते हैं साड़ी, उसके बाद पूरा बताऊँगी कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे किया था। इफ़ एट ऑल आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोग अपने लिए डिज़ाइन करना चाहें तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ ब्लाउज़। तो ये इस कलर का है, डार्क पिंक कलर का ब्लाउज़ है, और मैंने सिर्फ इसके बैक में ये डिज़ाइन दी थी। बाय द वे ये हैंड पेंटेड साड़ी है, इसको पेंट करके मैंने खुद इसका कलर कॉम्बिनेशन और रॉ क्लोथ लेकर आई हूँ, उसके बाद इसे डिज़ाइन किया है। तो ये सिर्फ बैक में ये वाला डिज़ाइन आएगा, क्योंकि हम फ्रंट में डिज़ाइन रखते हैं तो वो वैसे भी साड़ी के पल्लू में कवर्ड हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्पेशली इसका बैक ऐसे रखा है, क्योंकि बैक से ही बहुत अच्छा सा दिखता है ये। तो ये इस तरीके की है, आपको और पास से मैं दिखा देती हूँ। ये इसका ब्लाउज़ है, फ्रंट से नॉर्मली जैसे होता है कुक वाला वैसा ही है। स्लीव्स मैंने इसकी नॉर्मल रखी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ सबसे सुंदर सी साड़ी। यार मैंने खुद पेंट करी है तो सुंदर तो बोलूँगी ना, तो मुझे पता है आप सबको भी सुंदर लगने वाली है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये पल्ला, ये इस तरीके का पल्ला है पूरा का पूरा। ये पूरी हैंड पेंटेड साड़ी है जिसे मुझे पेंट करने में, और आज के टाइम में ऐसी साड़ी अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको 4,000 से 5,000, 6,000, 7,000 इस तरीके की मिलती है। लेकिन ये मैंने खुद डिज़ाइन करी है, खुद पेंट करी है, खुद कलर कॉम्बिनेशन चूज किया है। और ये साड़ी मुझे कितना टाइम लगा इसे, मुझे इसे ऑलमोस्ट 1 साल, क्योंकि बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ घर पे काम हो जाता है या कुछ ना कुछ चीज़ हो जाती है, इसकी वजह से मुझे इसे कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लगा। बट आई थिंक मैंने मम्मी को ये रोके के बाद गिफ्ट करी थी, रोके के बाद मेरा रोका ढूंढना हुआ था, और मम्मी का बर्थडे अक्टूबर में आता है जो अब आने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पहनूँ, और मुझे बहुत मन था पहनने के लिए, बट मैं अपने लिए नहीं बना पाई, टाइम ही नहीं मिला, फिर शादी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी दूसरी बनाऊँगी तब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब बताऊँगी। ये पेंट बिल्कुल भी नहीं उतरा है अभी तक, इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 ही साल मान लो आप इसे, क्योंकि रोका भी बहुत टाइम तक था। तो ये बिल्कुल भी आप पास से देख सकते हो पेंट नहीं उतरा है, बस इसे थोड़ा सा अच्छे से प्रॉपरली फोल्ड करके और हैंग करके रखना पड़ता है विथ लॉट्स ऑफ केयर, तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप मैसी सा रख दोगे तो साफ खराब हो जाएगा,
तो आई होप ये अच्छा लगा हो, ये मैंने पूरी डिज़ाइन कर दी साड़ी। आई होप आप सभी को अच्छा लगे। अगर कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस साड़ी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलिए अब मैं फटाफट से हेड वॉश करके आती हूँ और तैयार होती हूँ। चलो मैं घर जा रही हूँ। तो हमारे पास में गणेश नहर के गणेश जी का मंदिर है, वहाँ से दर्शन करा के फिर मैं जाऊँगी। देवर आ चुके हैं लेने के लिए, तो चलिए दर्शन करते हैं पहले। तो अब मैं जा चुकी हूँ और पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। की रहे मेरे पति देव, आज हम दोनों सेम पिंक पिंक। यार हम कोइंसिडेंटली सेम हो जाते हैं, इसलिए मत बोलना कि हम दोनों पिंक पिंक क्यों हो गए आज। तो फाइनली मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ और मायके से ससुराल तक का सफ़र आप सभी को कैसा लगा ब्लॉग में कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।